हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें नीचे टेबल दी गई है, इसमें हमें जो ब्लैंक्स दिए गए हैं ना, उन्हें फिलअप करना है। गिवन दैट क्या क्या दे रखा हमें, ए इज़ द फर्स्ट, ए डी एन और ए एन दे रखे हैं। यहाँ पे ए हमारी फर्स्ट टर्म है एपी की, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन इज़ द एनथ टर्म ऑफ द एपी। और जो ए एन है ना, वो एंथ टर्म ऑफ द एपी है, कि एन की जगह जो भी नंबर आएगा वो उतने ही नंबर की जो हमारी टर्म है, ठीक है। सो हमें ब्लैंक्स फाइंड आउट करने हैं। अभी आपको याद है कि नहीं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। फॉर्म से मतलब बनाने को नहीं, बनाने के लिए तो हम ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ये वाली जो है फॉर्म यूज़ करते हैं। बट एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूले के अंदर ए एन ए एन और डी चार चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई भी थी, और इन्हीं चारों में से कोई तीन आपको दे रखी है हर एक पार्ट के अंदर। और यही मैंने बताया था कि कोई तीन चीज़ें आपको दे मिलेंगी, आपको उनमें से कोई चौथी चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो वही सिचुएशन यहाँ पे है। फर्स्ट पार्ट से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे पहले 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो फॉर्मूला वही है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें फाइंड आउट करना ही है, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू 8, 8 माइनस वन और डी की वैल्यू है 3। सो 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होता है, 7, और 7 इंटू 3 21, और ए एन इज इक्वल्स टू 21 में 7 ऐड करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा, 28। सो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, 28। यहाँ पे इसमें फिलअप भी कर सकते हैं हम 28। ब्लैक पेन से मैंने क्वेश्चन में जो जो दे रखा है वो लिखा, और ब्लू पेन से हमारा जो आंसर आया वो लिखा है, ठीक है। सो चलिए इसी तरीके से सेकेंड पार्ट और करते हैं हम। सेकेंड पार्ट, ए डी एन और ए एन की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10, ए एन की वैल्यू यहाँ पे 0 है। डी फाइंड आउट करना हमें, सो फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 0 दे रखा है, इज इक्वल्स टू ए -18 है प्लस एन 10 है, 10 माइनस वन और ये यहाँ पे बचा डी। -18 को इधर ले जाएंगे, +18 हो जाएगा। अब 10 माइनस वन कितना होता है, 9, और +9 है, इधर आके -9 हो जाएगा, इधर बचा खाली डी। सॉरी एक सेकेंड, इतना करिए आप, इज इक्वल्स टू 18 इज इक्वल्स टू 9D, मतलब 9D इज इक्वल्स टू 18 कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब D इज इक्वल्स टू 18/9 आ जाएगा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे सो ये आएगा 2। सो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। मैंने यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दिया था, बट यहाँ पे डिवाइड में आ गई। सो D की वैल्यू 2 है, आप टेबल के अंदर फिल कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ गई। थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में A है, हमें फाइंड आउट करना है D की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू है 5। फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 5 है, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, एन माइनस वन मतलब 18 माइनस वन जो कि होता है 17, डी -3 है मल्टीप्लाई -3 5, 17 3 51, माइनस का आएगा ना -51 और इधर जाके हो जाएगा जो कि +51 इज इक्वल्स टू ए है।
अब ए है, हमें एक चीज़ सॉरी यहाँ पे देखिए ए एन की वैल्यू माइनस फाइव है हमारे पास, देखिए माइनस फाइव है ना, सो इसको माइनस रखेंगे हम। अब ए की वैल्यू सीधा हमारे पास आ गई है, इसको प्लस माइनस माइनस 51 माइनस 5 आ जाएगा 46, हेंस ए इज इक्वल्स टू 46। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, टेबल के अंदर भी फिल कर दीजिए 46। ठीक है, अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ए इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस 18.9। डी कितना है, 2.5 है। एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और ए एन कितना है देखिए 3.6। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, 3.6 इज इक्वल्स टू माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी है 2.5। 3.6 ये प्लस में आ जाएगा, 18.9 इज इक्वल्स टू 2.5n, मल्टीप्लाई कीजिए 2.5n एंड माइनस 2.5, पहले इसके n से करेंगे फिर 1 से माइनस 1 से, ये कितना हो जाएगा देखिए, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, 18.9 है और 3.6 है, 9 6 15, 1 कैरी 8 3, 11 1 12 कैरी 1, 22.5 इज इक्वल्स टू 2.5n माइनस 2.5, इधर ये माइनस है, इधर ले आएंगे 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5n। अब 5 एंड 5 10, 0 कैरी 1, 2 एंड 2 4 1 5 कैरी 1, 2 एंड 1 सॉरी कैरी 1 नहीं ये 2, 25.0 इज इक्वल्स टू 2.5n आ गया। अब देखिए इसे 25 सिंपल लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2.5, लिखने के बजाय 25 लिखता हूँ, ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, 25 से 25 कैंसिल, n की वैल्यू सिंपली आ गई हमारे पास 10, देख लीजिए अच्छे से आप, n की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। यहाँ से और यहाँ तक का सॉल्यूशन हमारा बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, बट कोई नहीं ईजी है। सो एन की वैल्यू 10 आ गई, टेबल के अंदर फिलअप करते हैं 10। लास्ट पार्ट इसका बचा है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू। देखिए ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105। यहाँ पे लिख सकते हैं ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105। ए एन की वैल्यू सिंपली हमें फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू सिंपल फाइंड आउट करनी है, 3.5 वैल्यूज पुट कीजिए, 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0। ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस ये 104 और इसकी 0 से मल्टीप्लाई 0, हेंस ए एन इज इक्वल्स टू 3.5। बहुत ही ईजी था क्योंकि किसी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को इसमें ऐड करेंगे सो एज इट इज़ नंबर आ जाएगा। ए एन की वैल्यू 3.5 आ गई है, इसको टेबल के अंदर फिल कर देते हैं 3.5। सो ये था एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, विजिबिलिटी में है मैं आपको गारंटी नहीं लेता हूँ, थोड़ा बहुत हो गया होगा सॉरी, बट नेक्स्ट वीडियो से हम ध्यान रखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।